हेलो एवरीवन। तो आज का जो डीआईवाई है ये फ्रॉक है, उसकी मैं स्लीव लगाने वाली हूँ, प्रिंसेस स्लीव। और आप देख रहे हैं फ्रॉक में स्लीव नहीं है, इसमें से स्लीव का कपड़ा दिया हुआ था, तो जिसको मैंने हैंड स्टिच करके ऐसा बनाया है। अभी इस फ्रॉक में जो हैंड स्टिच है, स्लीव स्टिच है, वो मैंने बनाया, तो देख लेते हैं वीडियोज़ फटाफट कि हमने इसको कैसे स्टिच किया है। इसमें जो नेट का कपड़ा था ना, ये देखिए ऐसा छोटा सा नेट का कपड़ा दिया हुआ था, जिसको मैंने पहले दोनों साइड से ना उसके चुन्नट क्रिएट कर लिया है। और चुन्नट स्टिच कर तो इसको चुन्नट क्रिएट करा है पहले मैंने दोनों साइड से, और सेम प्रोसेस दूसरे स्लीव में भी होगा। तो मैं एक बार आपको ज्वाइन करके दिखा देती हूँ, और सेम प्रोसेस से अगर आप भी बना रहे हैं तो रिपीट करेंगे। और इसको पहले एक नॉट देकर फटाफट से स्टिच कर लेंगे, ज़्यादा उसको स्टिच नहीं करना है, दो चार बार टक इन करके और नॉट दे देना है। और आगे देखिए मैं इसको फ्रॉक के स्लीव में कैसे अटैच करती हूँ और कैसे उसका वो फॉल वाला जो लुक होता है वो क्रिएट होता है। अगर आपको स्लीव का कपड़ा फ्रॉक में नहीं दिया है तो आप बाहर से भी नेट का कपड़ा खरीद के, या अगर घर में आपके पास छोटा सा पीस बचा हुआ है तो, और अगर कपड़ा भी नहीं है, अगर आपके पास बीड्स हैं और मोती हैं तो आप उससे कुछ ऐसा डिज़ाइनर क्रिएट करना चाहते हो तो फ्रॉक में, ब्लाउज़ में, उसकी स्लीव पर भी आप ऐसा फॉल क्रिएट कर सकते हो, सेम ही प्रोसेस होगा। तो अभी देखिए मैंने उसका पहले नॉट क्रिएट कर लिया, एंड देन अभी मैं उसके दूसरे साइड का भी नॉट बना लूँगी फटाफट भी वो है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। अभी फिलहाल मैंने स्टैंड वगैरह और लाइट्स वगैरह अरेंज नहीं किए हैं, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। देखते हैं अगर आपको पसंद आता है तो आई डेफिनेटली बाय थे जो 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 चीज़ें मुझे इसको वीडियोस को बनाने में, इम्प्रूव करने में और हेल्प करेगी। तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियोस को, शेयर करिए, और वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज़ डू वॉच फुल वीडियोस। अभी स्किप करके 30 सेकंड 20 सेकंड देख लेते हो तो उसे क्या होता है ना, फिर इतना बड़ा वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं है ना। फिर मैं तो पूरा बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि मैंने क्या शेयर किया है, और आप बनाना चाहो तो आप भी अच्छे से, अगर छोटी सी वीडियो तो फिर शॉर्ट्स पे मैं डाल दूंगी ना, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए डिटेल्स में कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, कैसे मैंने उसको क्रिएट किया है। तो ये देखिए हमारा वो स्लीव जो है वो नॉट कर लिया मैंने उसमें। अभी इसके फ्रॉक का एक साइड मैंने ऑलरेडी स्टिच कर लिया है, मैं आपको दूसरा स्टिच करके बताती हूँ। एक्चुअली ये स्टिच मैंने पहले ही कर लिया था, मेरी डॉटर के बर्थडे के दिन मैंने उसको पहनाया भी था, और मुझे काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले इस स्लीव के लिए। तो जब मैंने उनको बताया कि मैंने ये हैंड स्टिच किया है तो दे गेट सरप्राइज्ड, तो मैंने बोला कि ठीक है तभी इसको शेयर किया जाए और भी दूसरे लोगों को हेल्प मिल जाएगी मे बी। तो चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। देखिए उसको स्टिच करते वक्त ध्यान बस इतना देना है कि दोनों फ्रॉक की जो स्लीव लाइन है ना वो सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, तो आप दोनों को फोल्ड करके मेजर कर लेना। मैंने तो अंदाजे से किया है, अगर आपको चाहिए तो इंच टेप से एक बार मेजर कर लेना कि आप कितने दूरी पे स्लीव प्लेस कर रहे हो। और उसका जो टक करोगे ना तो वो छोटे छोटे टक लेना, बड़ी टक मत लेना, नहीं तो बाहर फ्रॉक के बाहर से दिखाई देगा वो टक, तो आप छोटे छोटे टक लेना तो वो बाहर से उतना दिखेगा नहीं और पता नहीं चलेगा कि आपने उसका हैंड स्टिच किया है। ओके, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी कर सकता है, छोटे से स्टिच करनी है ये दो चार टक करने से, और इतना अच्छा लुक आ रहा है फ्रॉक का तो वाई नॉट, यू शुड ट्राई आपकी ब्लाउज में, फ्रॉक में, या फिर कुछ भी अगर आप ऐसा क्रिएट कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो आप इसमें ये स्लीव ट्राई कर सकते हो। बहुत इजी है और बहुत ही कम टाइम में ये बन गया है। मैं आगे मेरी डॉटर के दो क्लिप भी ऐड करूँगी जिसमें वो विदाउट स्लीव एक है और एक विद स्लीव है, देखो आपको दोनों में से कितना डिफरेंस दिखता है। एक स्लीव लगाने, छोटी सी स्लीव का ये डीआईवाई करने के बाद फ्रॉक का लुक जो है कितना इन्हांस हो जाता है, और एकदम गाउन के जैसा प्रिंसेस लुक, प्रिंसेस गाउन की तरह लुक आता है। प्रिंसेस गाउन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार बच्चों की जो बर्थडे थीम होते हैं या पार्टी में, दे लाइक टू वेयर प्रिंसेस काइंड ऑफ ड्रेस और फेरी ड्रेस, तो फेरी ड्रेस का जो स्लीव होता है ना वो आपको 6-7 ईयर्स की एज के बच्चों के में मिल जाता है, बट आफ्टर दैट ना जब अगर 9-10 ईयर्स 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल हो आपकी, तो उनका ना जल्दी आउटफिट नहीं मिलता है फेरी लुक का और प्रिंसेस लुक का। तो आप सिंपल फ्रॉक खरीद कर भी ऐसे स्लीव उसमें अटैच करके ये लुक क्रिएट कर सकते हो, अगर स्कूल का कोई थीम है या कोई पार्टी का थीम है, या अगर बर्थडे पार्टी घर में अरेंज कर रहे हो और आपकी थीम वाइज है तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ऐसे मैंने एक